अबाउट द डिवीजन इन द एक्सरसाइज 2.5। ये एक्सरसाइज काफी बड़ी है, लंबी है, इसके अंदर हमारे कई प्रकार के क्वेश्चन हैं। सो इस एक्सरसाइज में हम दो पार्ट में अपना डिवाइड करेंगे। ये एक्सरसाइज आप दो वीडियो के अंदर आप देख सकेंगे, तो इसलिए इसके जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट हम डिवाइड के अंदर यूज करेंगे। इसमें हम 4 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि डिवाइड क्या है। डिवाइड मीन्स हिंदी में डिवाइड को कहते हैं बांटना। बांटना जैसे मान ली मेरे पास 10 लड्डू हैं और 10 लड्डू को मैं मुझे डिवाइड करना है। यदि मैं एक एक लड्डू डिवाइड करता हूँ तो 10 लड्डू 10 बच्चों पर बांटे जाएंगे, अर्थात 10 स्टूडेंट उसको ले सकेंगे। लेकिन अगर 10 लड्डू खाने की जो हमारी कोई भी 10 वस्तु है, या पेंसिल हो सकती है, बैलून हो सकते हैं, कोई भी हमारी वस्तु हो सकती है, अगर मैं उनको दो दो डिवाइड करता हूँ तो दो दो डिवाइड करने से वे केवल 5 बच्चों में ही मिलेंगी। अगर मैं 5-5 डिवाइड करता हूँ, यानी 5 आइटम किसी एक बच्चे को देता हूँ, तो 10 में से केवल 2 बच्चों को ही मिलेगी। और अगर मैं 10 की 10 एक बच्चों को देता हूँ तो वे हमारे केवल 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक ही बच्चे पर 10 की 10 चली जाएंगी। तो जो हमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद में जितने बच्चे की काउंटिंग आ रही है, जैसे 10 लड्डू हैं या 10 आइटम है और मैं 5 बच्चों को डिवाइड कर रहा हूँ, तो दो दो जो मिल रही हैं ये 2 हमारा क्वेश्चन है। लेकिन अगर मेरे पास 11 लड्डू हैं और 11 लड्डू होने पर या 11 आइटम होने पर मैं दो दो डिवाइड करता हूँ तो 5 जनों को तो मिल जाएगी, तो 5 तो हमारा क्वेश्चन होगी। लेकिन जो रिमाइंडर बचेगा 1, जो हमारे पास एक पेंसिल या एक आइटम जो बच जाएगी वो हमारी रिमाइंडर होगी। तो सभी बच्चे आज हम, क्योंकि आप 5th क्लास के भैया बहन हैं, 5th क्लास के भैया बहन डिवाइड से संबंधित बहुत सारी बातें 4th क्लास में 3rd क्लास में 2nd क्लास में सीख चुके हैं। सो उससे आगे कुछ बड़े क्वेश्चन किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे 2 डिजिट 1 डिजिट की डिवाइड तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम 3 डिजिट या 4 डिजिट की डिवाइड करते हैं तो हमें करने में घबराहट होती है, क्योंकि हम लोगों को टेबल नहीं याद होती। डिवाइड करने के लिए टेबल का याद होना जरूरी नहीं है, इसके लिए हमारे पास नियम आने चाहिए, ट्रिक आने चाहिए। अगर हमारे पे ट्रिक आती है तो हम बहुत ही अच्छे तरह से डिवाइड करना सीख सकते हैं। सो लुक एवरीवन, क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मीन्स भागफल, हिंदी में क्वेश्चंस को भागफल कहते हैं। एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर को हिंदी में शेषफल कहते हैं। एंड ये दोनों फाइंड करने के हमें क्या करना है, वेरीफाई द आंसर। हमें जो हमारा आंसर आएगा उसको हमें वेरीफाई करना है। सो क्वेश्चन नंबर ए बी सी एंड डी, लुक एवरीवन इन द क्वेश्चन, दिस डॉट इज द सिंबल ऑफ द डिवाइड। ये डॉट हमारी डिवाइड का सिंबल है। इस डॉट का जो मीनिंग है, ये डिवाइड का सिंबल है। सो सभी बच्चे बुक के अंदर, क्योंकि इस पूरी बुक में जहां भी डिवाइड का सम्स आएगा वहां पर ये मोटी डॉट दिखाई देगी। हम क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं, 1, 4, 3, 9, 3 डिवाइड 125, क्योंकि 125 143 से छोटा है। अगर हम जो 2 टाइम टेबल पढ़ते हैं, 12 2 24 इससे अधिक हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको 1 टाइम ही पढ़ेंगे। 1 यहां लिखेंगे और 125। अब 143 से 125 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 110 बोरो 13 13 माइनस 5 इक्वल टू 8, रिमाइंडर 3 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, टेक डाउन 9। 189 12 की टेबल 18 में फिर पढ़ के देखेंगे, तो 12 12 12 24 18, नाउ द स्मॉलर देन 125, यानी 189 हमारा 125 से अभी भी छोटा है, तो 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे। 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, अगेन सब्ट्रैक्शन, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, टेक डाउन 3 643, रीड द टेबल 12 5 60 12 5 60 और 12 7 84 7 टाइम हमारी 12 72 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 125 की 5 टाइम टेबल पढ़ के देखेंगे। तो 125 में हमारा जो आंसर आएगा 625 आएगा, तो टेबल पढ़ लेंगे, 125 5 6
25. Subtract 625 from 643. Take the borrow 10. 13 minus 5 equal to 8. Remainder 3. 3 minus 2 equal to 1. 18 is the remainder. And 115 is the quotient. तो हम इनको यहाँ पर इसकी वेरीफाई करेंगे बिकॉज डिविडेंड इक्वल टू क्वेशंस इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. तो क्वेशंस हमारा 115 डिवाइजर 125 और रिमाइंडर नाउ 18 मल्टीप्लाई करेंगे 125 प्लस 62 राइट का 7 कैरी ऑन 18 125 में 18 ऐड कर लेंगे14. तो लुक एवरी वन 14,393 इज द डिविडेंड सो इट इज वेरीफाइड. क्वेश्चन नंबर डी अब हम क्वेश्चन नंबर डी करेंगे. सो लुक द क्वेश्चन नंबर डी 89,286 डिवाइड बाय 97 लुक एवरीवन 97 हमारा 89 से बड़ा है. सो हम थ्री डिजिट में इसकी टेबल पढ़ेंगे. 97 को राउंड ऑफ बना लीजिए 100 की इसके अंदर टेबल हम 9 टाइम हम पढ़ें क्योंकि 900 के नियरेस्ट है. तो 9 टेबल पढ़ेंगे 9763 कैरी ऑन 6981 एंड 687 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 टेक डाउन 8 198 और 108 200 के नजदीक है नियरेस्ट है. तो इसे हम 2 टाइम इसकी टेबल पढ़ सकते हैं. तो 27 जा 14 4 कैरी ऑन 1 29 जा 18 ओवर 19 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 टेक डाउन 6. जब भी हम ऊपर से कोई संख्या उतारते हैं तो टेबल पढ़ना बहुत जरूरी है. और टेबल ये जरूरी नहीं है कि हम ना जाने की जीरो लगाएं, वो भी हमारा पुरानी जो पद्धति है कि ना जाने की जीरो लगाते हैं. लेकिन जो मॉडर्न टाइम है हम अब क्या करते हैं जीरो टाइम भी पढ़ते हैं. तो 97 जीरो जा जीरो तो 46 माइनस 0 46 रिमाइंडर जब भी आता है वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही आता है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये रिमाइंडर हो गया और ये हमारा क्वेश्चंस हो गया. वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू क्वेश्चंस इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. क्वेश्चंस हमारा 920 इंटू 97 मल्टीप्लाई 920 89,240 इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स एंड द 46 द रिमाइंडर. एड 89,286 लुक एवरीवन 89,286 इज द सेम सो इट इज वेरीफाइड. क्वेश्चन नंबर ए और बी एवरी वन टू योर सेल्फ इन योर नोटबुक. क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द मिसिंग नंबर. बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन यानी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर टू कर चुके हैं. लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर ए आपको कराऊंगा. आप एक एग्जांपल देखें इनके माध्यम से आप सीख सकते हैं 2 × 6. अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको नंबर इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं 6 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा नंबर ये आंसर आ जाता है. तो फिल इन द ब्लैंक्स को निकालने के लिए जो भी धन नंबर है उस नंबर से इसको डिवाइड करना है. सो लुक एवरीवन क्वेश्चन नंबर ए.
लुक एवरीवन 578 का हम राउंड ऑफ बना लेंगे 2600 और 2600 को हम राउंड ऑफ मन में पहले सोचेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई हमें इससे करनी है। 26 to 52 होता है, इसलिए हम इस पर 2 to 4 टेबल पढ़ सकते हैं। 2 8 16 KV1, 2 7 14 एंड 1 15 KV1, 5 10 1 11 KV1, 2 2 4 एंड 1 5 15 माइनस 6 बड़ा है 5 से, तो 1 10 करो, 15 माइनस 6 इक्वल टू 9, 11 माइनस 5 इक्वल टू 6, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। अब 1 4 6 9 छोटा हो जाएगा, इसमें टेक डाउन 4, 14,694। 5 टाइम टेबल पढ़ेंगे, 5 8 40 कैरी ऑन 4, 5 7 35 प्लस 4 39 कैरी ऑन 3, और 5 2 10 5 5 25 प्लस 3 28 कैरी ऑन 2, 5 2 10 प्लस 2 12 12,890। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 2 4, 9 9 0, 1 10 बोरो, 16 7 8, 3 2 1, 18046। अब 7 से इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 18046 आता है। इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, ये जो क्वेश्चन आया यही हमारा फिलिंडर ब्लैक्स के अंदर आएगा, तो वैल्यू को ब्लैक आएगी 257। इसी के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन बी भी कर सकते हैं, सभी बच्चे क्वेश्चन अपने आप करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 14,79,520 इफ वन नंबर इज 56। इसका मतलब यह है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो ये है और उनमें से एक संख्या 56 है। फाइंड द अदर नंबर, दूसरी संख्या फाइंड करनी है, तो हम सॉल्यूशन करेंगे। स्टेटमेंट इस प्रकार लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 14,79,520, वन नंबर ऑफ देम इक्वल टू 56। सो अदर नंबर फाइंड करने के लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, 14,79,520 डिवाइड 56, 56 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे 14,79,520 56 टू टाइम टेबल पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमसे 60 राउंड ऑफ मान लें तो 6 2 12 तो टू टाइम ही चलेगा, तो 112, 7 2 = 5, 4 1 = 3, टेक डाउन 9, 56। अब 6 को हम अगर इसको राउंड ऑफ माने तो 6 6 36, तो 36 हमारा 6 टाइम टेबल चल सकता है, तो पढ़ेंगे 6 6 36 कैरी ऑन 3, 6 5 30 प्लस 33, 9 6 = 3, 5 3 = 2, टेक डाउन 5, 235, 112 का डबल करते हैं तो 410 हो जाएगा, 4 6 24 कैरी ऑन 2, 4 5 20, 22, 5 4 = 1, 3 2 = 1, टेक डाउन 2, 56 2 112, तो 2 2 = 0, 1 1 0, 1 1 0, तो डू नॉट राइट, टेक डाउन 0। अब जब भी हम ऊपर से कोई संख्या उतार दे तो हमें टेबल पढ़नी जरूरी है, तो 56 0 0 एंड 0 0 = क्रॉस, तो हमारा ये आंसर आ गया 26,420। तो हेंस अदर नंबर इज 26,420 इन द टू नंबर्स। सो लुक द क्वेश्चन नंबर 4, डिविडेंड इक्वल टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में डिवाइजर है 647, क्वेश्चन है 383 एंड रिमाइंडर है 56। इन फॉर्मूले में ये वैल्यू रख लेंगे, 383 × 647 प्लस 56, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर हमने सोल्व करी है। इसी अकॉर्डिंग आप भी सोल्व करके देखेंगे, 2,47,801 आएगा प्लस 56। अब इसमें हम ये ऐड करेंगे, 6 1 7, 5 + 0 5, और डी नंबर आर ऐड द सेम, 2 4 7 8। सो हमारा ये आंसर आ गया 2,47,857। बच्चों फाइंड द स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर बाय यूजिंग द्वंद योग मेथड। द्वंद योग मेथड मींस वैदिक गणित से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सभी वैदिक गणित से रिलेटेड क्वेश्चन है। 6 फाइंड द स्क्वायर यूजिंग एक न्यूने प्रूवन, ये भी वैदिक गणित से रिलेटेड है।
क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द स्क्वायर यूजिंग एकाधिकेन पूर्णे, ये भी बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड है, 8 डिवाइड बाय यूजिंग निखिलम मेथड। तो हमारे ये क्वेश्चन काफी समय लेंगे जिससे हमारी वीडियो अधिक लंबी ना हो, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 अगली वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। अगर सारे क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं आते हैं तो 5 और 6 एक वीडियो में और 7, 8 अलग वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि इनको समझाना भी पड़ेगा। आप लोगों ने इससे पहले वैदिक गणित के विषय में नहीं पढ़ा है तो इसलिए हमें डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई करने का, स्क्वायर करने का क्या मेथड है, हम कैसे करते हैं, उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए हमें अलग अलग वीडियो इन सबके लिए बनानी पड़ेगी। इसलिए बच्चों अगली वीडियो जो हमारी है वे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन्हें जरूर देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए सभी का थैंक्स, हैव ए नाइस डे। सो अगली वीडियो जरूर देखें।